फिजिकल जिनका कमजोर है उनको एक चीज जरूर बताऊंगा कि आपके पास जो ऑप्शन है ना वो सबसे बेहतर अभी ऑप्शन है। एक बार जब सेलेक्ट हो जाओगे उसके बाद आगे पढ़ाई करते रहना। तो जिनका नंबर कम है या जिनका नंबर एकदम कट ऑफ के आसपास है और बेचारे या तो क्वालिफाई भी हो गए और स्कोर भी नहीं है ज़्यादा, और जो क्वालिफाई भी नहीं हुए और स्कोर भी ठीक ठाक है, मतलब एकदम कट ऑफ के आसपास हैं, उनके ऊपर क्या बीत रहा है वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। ठीक दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं कि फिजिकल कब से होगा और कहाँ पे होगा, रोड पे या ग्राउंड में। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं, सर मेरा 2 नंबर है, 4 नंबर है, 6 नंबर है, 8 नंबर है, 10 नंबर है, ऐसे करके कि सर हम फिजिकल देने जाएं, रनिंग करें कि नहीं, मेरिट तो मेरा नहीं बनेगा। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं सर कि रनिंग फिजिकल देने ही नहीं जाएंगे, क्या फ़ायदा, जब ही होगा ही नहीं मेरिट। ठीक है, तो पूरे डिटेल में इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे कि रोड पे होगा या ग्राउंड पे होगा, कहाँ पे होगा फिजिकल और कब से शुरू हो सकता है। ठीक है, वीडियो में इससे पहले हम आगे बढ़े, आप अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ठीक है, आगे बढ़े इससे पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि डॉक्यूमेंट्स में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में बार बार कह रहे हो सर डॉक्यूमेंट्स बता दो, तो डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है। OBC SC ST सेट अगर में आते हो या रिलैक्सेशन आपने लिया है तो उसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाना, जैसे आधार कार्ड, ID कार्ड और फोटोग्राफ्स और एडमिट कार्ड तो सभी लेके जाएंगे। बाकी एक ही चीज़ है, वो है OBC SC ST या हिल स्टेशन का कोई सर्टिफिकेट जिसमें आपको हाइट का छूट मिलता है। इसके बाद मराठा जो कुछ जाति समुदाय हैं उनको छूट मिलता है, तो वो सब लेके जाना है। ठीक है, इसके आगे अब बात करेंगे अगर फिजिकल कहाँ पे होगा, तो फिजिकल आपका देखो कहीं पे भी हो सकता है, जैसे हमारा हुआ था। ठीक है, हमारा फिजिकल कहाँ पे हुआ था, रोड पे, लेकिन हमारे में से जो हमारे समय भर्ती हुए 2018-21 वाली भर्ती में। ठीक है, तो उसमें क्या सभी का ग्राउंड में हुआ था या सभी का रोड पे हुआ था? बिल्कुल ऐसा नहीं है, सभी का, ज़्यादातर लोगों का रोड पे ही हुआ था, लेकिन कुछ लोगों का ग्राउंड में भी हुआ था, दोनों ही जगह पे हुआ था। ठीक है, तो जहाँ जो अवेलेबल होगा वैसे ही होगा, पहले के जैसा ही। और हमारे यहाँ तैयारियाँ शुरू हो गई है, कुछ लोग ऐसे भी पूछ रहे हैं सर कब से फिजिकल होगा, तो देखो हमारे यहाँ तैयारियाँ जो है फिजिकल के लिए वो शुरू हो गई है। ठीक है, मतलब तामझाम शुरू हो गया, मैंने पहले भी कहा था कि ऑफिस ऑर्डर आया हुआ है कि फिजिकल कब से कराना है करके। ठीक है, तो अगले 2-3 दिन में कोई ना कोई अपडेट आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपका जो फिजिकल है वो अगस्त 1 वीक में शुरू हो सकता है। ठीक है, अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका अभी भी टाइमिंग नहीं आ रहा है, तो टाइमिंग के विषय में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, जिनका स्कोर कम है ना, जैसे मान लो कि 120 नंबर कट ऑफ गया है और 122 नंबर बेचारे का आया हुआ है। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या बीत रही है वो आप नहीं समझोगे, है ना। तो उसी तरह, या फिर जिसका 120 कट ऑफ गया है और 119 नंबर लेकर के आया है, तो उसके ऊपर क्या बीत रही है आपको नहीं पता। तो भगवान आपको मौका दिया है, स्कोर लेकर के आप आए हो बहुत ढेर सारा, और फिजिकल नहीं अच्छा है तो उसको थोड़ा सा कर लो, वो आपके हाथ में है। अभी भी 15 दिन में बहुत कुछ बदल सकता है। ठीक है, बहुत कुछ बदल सकता है का मतलब आप बदल सकते हो, आप बिल्कुल फिट होकर के रनिंग पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका वेट वगैरह भी ज़्यादा है वो भी थोड़ा प्रयास करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार जब लग जाएगी, मैंने मैंने कहा है ना कि अगर एक बार जब लग जाएगी ना, तो अपने कमाए हुए पैसा जब पॉकेट में आएगा ना, तो वो एक अलग ही आत्मविश्वास आपको देगा। ठीक है, तो फिजिकल के लिए टेंशन नहीं लेना। जिनका अभी भी रनिंग में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, 25 मिनट, 24-26 मिनट, ऐसे करके 27 मिनट, ऐसे ही हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो उनको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ उनके साथ दौड़ना है जिनका फिजिकल बढ़िया है, और बहुत बढ़िया है, उनके साथ मत दौड़ना, नहीं तो हाँफने लग जाओगे ना। 21-20 मिनट में जो दौड़ते हैं उनके साथ नहीं दौड़ना है, 23-24 मिनट में जो दौड़ते हैं, 22.5 मिनट में जो दौड़ते हैं उनके साथ दौड़ना है। ठीक है, तब जाके इम्प्रूवमेंट आएगा। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं, दूसरा एक और चीज़ आपको बता दूं, अभी दूसरा कोई चांस नहीं है आपके पास। ठीक है, आपको फिजिकल पास करना ही पड़ेगा, तो एकदम से जी जान से लगे रहो या फिर जाने ही दो। ठीक है, दूसरे एग्जाम्स की फिर तैयारी में लग जाओ अगर ऐसा है तो। ठीक है, नहीं तो चुपचाप लगे रहो, यहाँ से भी बढ़िया कर सकते हो आप। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है, आपके मेहनत के ऊपर है, आपके हाथ में है, आपको क्या करना है, यहीं रहना है या यहाँ से फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, फिलहाल अभी बात करें जिनका, वो जो लोग, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं भैया कि स्कोर मेरा कम है, मेरिट तो नहीं बनेगा, तो देखो उनके लिए मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि मेरिट बने या ना बने, ये पता है किसी को भी कि 1 नंबर अगर ज़्यादा है तो, आधा नंबर ज़्यादा है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, मैं इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है मेरे को, लेकिन एक बात है, चाहे नंबर जितने भी हों, 2 नंबर हों, 4 नंबर हों, 6 नंबर हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपना प्रयास करते रहिए और फिजिकल में सभी जाइएगा।
जब तक कि आप या तो ग्राउंड में अनफिट ना हो या मेडिकल में अनफिट ना हो, ठीक है, आप अपना मेहनत करते रहिए। हाँ, ये बात सही है कि जिसका एक नंबर ज़्यादा हो उसका मेरिट नहीं बनेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको नहीं जाना है, ठीक है। हम हमेशा ऐसे ही जोड़ते थे, मैंने कहा था एक बार ना कि जब हम रेलवे ग्रुप डी में थे तो उसके पहले जो भर्ती प्रोसेस चलता था तो मेरा नंबर हालांकि बहुत था, 17-18 नंबर शायद ज़्यादा थे शुरुआत में, बाद में फाइनल मेरिट जब बना था तो उस समय भी 12 नंबर ज़्यादा था, लेकिन हर दिन यही सोचता था यार इतने लड़के सेलेक्ट हैं, 101 नंबर बढ़ाएंगे तो 100 लड़के आएंगे, 2 नंबर बढ़ाएंगे तो 200 लड़के आएंगे, 300 आएंगे, फिर ऐसे करके मैं भी रोज़ कैलकुलेशन करता था, है ना। तो सभी को डर लगता है, सभी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अभी जब आप भी सेलेक्ट हो जाओगे तो फिर इसी तरह किसी और को समझाओगे, है ना। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, चाहे नंबर जितने भी हों परेशान नहीं होना, आपको ज़रूर जाना है, ठीक है। और आप सबको अग्रिम बधाई, फिजिकल जिनका कमज़ोर है उनको एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा कि आपके पास जो ऑप्शन है ना वो सबसे बेहतर अभी ऑप्शन है। एक बार जब सेलेक्ट हो जाओगे उसके बाद आगे पढ़ाई करते रहना। तो जिनका नंबर कम है या जिनका नंबर एकदम कट ऑफ के आसपास है और बेचारे या तो क्वालिफाई भी हो गए और स्कोर भी नहीं है ज़्यादा, और जो क्वालिफाई भी नहीं हुए और स्कोर भी ठीक ठाक है, मतलब एकदम कट ऑफ के आसपास हैं, उनके ऊपर क्या बीत रहा है वो आपको ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। अभी इतना ही, अगर कोई बात हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। बस इतना ही, अपना ख्याल रखना, जो लोग फिजिकल परफॉर्म कर रहे हो वो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, गाड़ी वाड़ी बिल्कुल नहीं चलाना है, ठीक है, कहीं घूमने नहीं जाना अभी। जय हिंद।